नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10 का विज्ञान विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पहला अध्याय पढ़ेंगे। जैसे कि आप पीछे देख ही चुके हो, समय की बचत के हिसाब से मैंने पहले इनको लिख दिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। देखो, पहला अध्याय हम शुरू कर रहे हैं आज, और पहले अध्याय का नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। आप देख रहे हो लिखा हुआ है सामने, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इस अध्याय से आपकी परीक्षा में कुल 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से एक प्रश्न तो 1 नंबर का होगा और एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। आपका जो पेपर होगा वो कुल 4 भागों में बटा होगा, भाग ए, भाग बी, भाग से और भाग दे। भाग ए में जितने भी प्रश्न होंगे वो सब एक एक नंबर के होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस अध्याय में से एक प्रश्न जो पूछा जाएगा वो भाग ए में आएगा। भाग बी के अंदर जो प्रश्न होंगे वो दो दो नंबर के होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाग बी में इस अध्याय से कोई प्रश्न नहीं आएगा, जबकि भाग से के अंदर 3 नंबर के प्रश्न होते हैं, 3-3 नंबर के प्रश्न होते हैं, यानी एक प्रश्न इस अध्याय का जो आएगा वो भाग से के अंदर पूछा जाएगा। इस प्रकार से कुल 2 प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे, जिनमें से एक प्रश्न 1 नंबर का होगा जो कि हमें भाग ए में मिलेगा, जबकि दूसरा प्रश्न 3 नंबर का होगा जो कि हमें भाग से में मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस अध्याय के बारे में। नाम आपने देख ही लिया है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसमें हम देखेंगे कि भोजन का जो है हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, कौन कौन सी चीजें भोजन के अंदर मिलाई जाती है जिससे हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो हम किसी भी काम के लिए कोई भी कार्य हम करते हैं तो भोजन ग्रहण करते हैं, बिना भोजन ग्रहण किए हमें शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है, और भोजन ग्रहण करने को हम क्या कहते हैं विज्ञान में, पोषण कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण क्या होता है। तो देखो, पोषण की परिभाषा हम देखते हैं। पोषण, पोषण किसे कहेंगे? जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। सजीव जो है भोजन ग्रहण करता है और उस भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब देखो, पोषण भी कैसा होना चाहिए? एक अच्छा पोषण होना चाहिए, सुपोषण कह सकते हैं, सुपोषण होना चाहिए। और सुपोषण के लिए सभी आवश्यक पदार्थ उसके अंदर होने चाहिए, और जो पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थ की परिभाषा भी अपन क्या बना सकते हैं? देखो, पोषक पदार्थ क्या हो जाएगा? वे पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि वे विकास के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पोषक पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि वे विकास के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें पोषक पदार्थ कहते हैं। देखो, पोषक पदार्थ कौन कौन से होंगे? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, वसा, जल, यानी ये सभी पदार्थ हमारे भोजन में होने चाहिए, इन्हें हम कहेंगे पोषक पदार्थ। अब देखो, पोषण की आवश्यकता क्यों है, हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा, बिना उद्देश्य तो कोई काम होता नहीं है। तो बात करेंगे हम पोषण की आवश्यकता या पोषण के क्या क्या उद्देश्य है। अब देखो, पोषण के उद्देश्य क्या है? शरीर को मजबूत बनाना। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, यानी शरीर की मजबूती के लिए हमें भोजन करना आवश्यक है। तो पहला उद्देश्य तो क्या हो जाएगा, शरीर को मजबूत बनाना। अगर हम खाना खाएंगे, भोजन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तो दूसरा उद्देश्य क्या हो जाएगा, शरीर को स्वस्थ बनाना। शरीर स्वस्थ रहेगा तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। रोग प्रतिरोधक का मतलब क्या होता है? शरीर की वे क्षमता जो रोगों से लड़ने का कार्य करती है उसे हम क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी होगी तो हमें किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा हाल ही में कोरोना चल रहा है, तो आपने ये भी सुना होगा कि जो बूढ़े लोग हैं उनकी मृत्यु ज्यादा हो रही है इसके प्रभाव से, जबकि जो युवा है या जो बच्चे हैं वो अपने आप ठीक हो रहे हैं। कारण क्या है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसके कारण वो क्या होता है, उस वायरस पर हमारा शरीर वैसे ही प्रतिक्रिया करके उसको नष्ट कर देता है। जबकि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसके कारण उनका शरीर उस वायरस का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण इस वायरस के प्रभाव से जो वृद्ध लोग हैं उनकी मृत्यु क्या हो रही है,
ज्यादा हो रही है, और उद्देश्य इसका क्या हो जाएगा, दिमाग को तेज करना। अगर हम अच्छा भोजन करेंगे तो हमारा दिमाग भी क्या रहेगा, सर्प रहेगा, हम अच्छा सोच पाएंगे, हमारी सोच विकसित होगी। अब देखो, यानी हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिसके अंदर ये सारे पोषक पदार्थ होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, वसा हो गई, जल हो गई, ये सारे पदार्थ उसके अंदर होने चाहिए। अब ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं संतुलित भोजन कहते हैं। तो हम बात करते हैं संतुलित भोजन की। संतुलित भोजन क्या होता है, एक अभी मैंने बताया कि जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होंगे उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित भोजन। इसकी भी परिभाषा आपके परीक्षा में पूछी जा सकती है। देखो संतुलित भोजन किसे कहेंगे, संतुलित भोजन देखो ऐसा भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के पोषक तत्व, पोषक तत्व कौन कौन से भी बनाता है, ऐसा भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा आदि उचित मात्रा में, यानी जितनी मात्रा अपने को चाहिए उचित मात्रा में उपस्थित हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। और इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहेंगे, संतुलित पोषण। तो क्या कहेंगे, तथा इस प्रकार के पोषण को संतुलित पोषण कहते हैं, या ऐसा पोषण संतुलित पोषण कहलाता है। देखिए आप सातवें के साथ में इसके नोट्स बनाते चलिए, इससे बाहर जो भी मैं यहाँ पे आपको मैटर करा रहा हूं इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, जो भी यहाँ मैं नोट्स बना रहा हूं आप इनको एक कॉपी लेके बैठे, ये नहीं कि आप इसको केवल देख रहे हो, देखने से ज्यादा याद नहीं रहेगा। सबसे अच्छा होगा कि आप कॉपी लेके बैठे नोट्स बनाते चले साथ में के साथ में, इससे बाहर किसी प्रकार का कोई मैटर नहीं आएगा आपके। और मैं कोई भी टॉपिक यहाँ पर नहीं छोड़ रहा हूँ, सारे के सारे टॉपिक करा रहा हूँ। एक हो सकता है एक दो टॉपिक और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें से कोई टॉपिक आपके छूटेगा नहीं। अब देखो अगर संतुलित भोजन नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा, देखो संतुलित भोजन नहीं करने के प्रभाव क्या होगा, जो संतुलित भोजन करते हैं उससे जो प्रभाव होते हैं उसका उल्टा हो जाएगा, शरीर का विकास रुक जाता है, यानी शरीर का विकास नहीं होगा। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, जिससे हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। दिमाग कमजोर हो जाता है, यानी लोगों की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। अगला, शरीर दुर्बल हो जाता है, यानी शरीर बहुत ही क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। यानी संतुलित भोजन बहुत ही आवश्यक है। अब आप समझ लो कि अगर मान लो आप केवल कचोरी कचोरी खा रहे हो तो क्या उससे फायदा होगा, नुकसान करेगी। यानी संतुलित भोजन के लिए आपको, संतुलित भोजन के लिए सारे पोषक पदार्थ को लेना आवश्यक है। दूध भी आपको पीना चाहिए, दाल खानी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे दाल पसंद नहीं है, नुकसान करेगी। सारी चीजें हमें आवश्यक है। अब देखो अगर ये पोषक पदार्थ अगर किसी भोजन के अंदर नहीं होंगे, अगर होंगे तो क्या कहेंगे, संतुलित भोजन, और अगर ये नहीं होंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, असंतुलित भोजन हो जाएगा। तो असंतुलित भोजन की परिभाषा हम कैसे बना सकते हैं, देखो असंतुलित भोजन किसे कहेंगे, ऐसा भोजन जिसमें किसी एक या एक से अधिक, एक पोषक तत्व हो सकता है या एक से अधिक हो सकते हैं, ऐसा भोजन जिसमें किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की क्या हो, कमी हो, उसे क्या कहते हैं, असंतुलित भोजन कहते हैं। कोई भी ऐसा भोजन जिसमें आप मान लो प्रोटीन की कमी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो सकती है, वसा की कमी हो सकती है, विटामिन की कमी हो सकती है, तो ऐसा भोजन जिसमें किसी एक या एक से अधिक पोषक पदार्थ की या पोषक तत्व की कमी हो उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित भोजन। और जब आप असंतुलित भोजन कर रहे हो तो उसे हम बोलेंगे कुपोषण। तो इस प्रकार का पोषण क्या कहलाएगा, कुपोषण। तो एक बार फिर से इसकी परिभाषा देखते, देखो ऐसा भोजन जिसमें किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो उसे असंतुलित भोजन कहते हैं, तथा ऐसा पोषण क्या कहलाता है, कुपोषण कहलाता है। ठीक है, अब देखो कुपोषण अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अगर मान लो कि हमारे भोजन में अगर प्रोटीन की कमी है तो उससे जो प्रभाव उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे प्रोटीन कुपोषण। अगर भोजन में विटामिन की कमी है तो उसे हम बोलेंगे विटामिन कुपोषण। अगर उसमें वसा की कमी है तो उसे हम कहेंगे वसा कुपोषण। तो हम देखते हैं कि कुपोषण के कौन कौन से प्रकार हैं, किस किस प्रकार से हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, इसको हम देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुपोषण की भी, कुपोषण से कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखो कौन कौन से हो जाएंगे, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। तो एक एक को हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण किसे कहेंगे, देखो कि अगर भोजन में विटामिन की कमी हो, यानी हम जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो भी भोजन हम ले रहे हैं, अगर उसके अंदर विटामिन की कमी हो तो उसे हम बोलेंगे विटामिन कुपोषण। उसी प्रकार से
प्रोटीन कुपोषण किसे कहेंगे? जिसमें प्रोटीन की कमी हो वो क्या हो जाएगा? प्रोटीन कुपोषण। जिसमें खनिज लवण की कमी हो वो क्या हो जाएगा? खनिज कुपोषण। तो हम एक एक को लेके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते, देखो विटामिन कुपोषण, ऐसा पोषण जिसमें विटामिन की कमी हो उसे क्या कहेंगे? विटामिन कुपोषण। मैं ये परिभाषा लिखा रहा हूं, बाकी सारी सेम बन जाएगी। ऐसा पोषण जिसमें विटामिन की कमी हो उसे क्या कहते हैं? विटामिन कुपोषण कहते हैं। अगर मान लो प्रोटीन कुपोषण होगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा पोषण जिसमें प्रोटीन की कमी हो उसे क्या कहेंगे? प्रोटीन कुपोषण कहेंगे। उसी प्रकार से खनिज कुपोषण में क्या हो जाएगा? ऐसा पोषण जिसमें खनिज लवण की कमी हो, कोई सा भी एक खनिज लवण, किसी एक खनिज लवण की कमी हो उसे क्या कहेंगे? खनिज कुपोषण कहेंगे। ठीक है, तो अब विटामिन कुपोषण कौन कौन से हैं इसके प्रकार के बारे में हम देखते हैं भी, कौन कौन से विटामिन हैं जिसकी कमी से किस किस प्रकार के रोग होते हैं। तो हम देखते हैं विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 100% इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है। जो एक नंबर का जो प्रश्न आएगा 90% चांस इसमें से ही रहते हैं। 90 के मैं 100 ही कहूंगा, क्योंकि जो मेरा अनुभव रहा है कि हर बार इसमें से प्रश्न आ रहा है, या तो आपको लक्षण दिए होंगे और विटामिन का नाम पूछेगा, या विटामिन का नाम देके उसके लक्षण पूछ लेगा, या रोग का नाम पूछ लेगा। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कैसे क्या होता है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन की, विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनोल। क्या होता है? रेटिनोल। और इसकी कमी से रोग होता है, कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। अब रतौंधी रोग के लक्षण क्या है? कम प्रकाश या रात्रि में दिखाई नहीं देना, क्योंकि इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति का रेटिना खराब हो जाता है, इसकी वजह से प्रकाश क्या हो, या तो कम हो, या फिर अगर प्रकाश बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी नहीं दिखेगा। कम प्रकाश या रात्रि में दिखाई नहीं देना, जिस व्यक्ति को रतौंधी रोग होता है उसको रात्रि में दिखाई नहीं देता है। और रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, जिसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। अगला था विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी रोग होता है विटामिन B12 की कमी से। देखो लक्षण क्या है, हृदय धड़कन कम हो जाने, हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियां व तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है, हमारे शरीर की जो पेशियां होती है, हाथ पैरों की पेशियां कमजोर हो जाती है, तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है, ऐसे व्यक्ति को क्या होता है कि दर्द का अनुभव कम होता है, या होता है तो थोड़ी देर बाद में चोट लगने के बाद उसको अनुभव होता है, क्योंकि इसकी जो तंत्रिका है, तंत्रिका तंत्र है, वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। अगला हम देखते हैं विटामिन B2, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। तो देखो सीधा ऐसे भी B2 ना देखे ये भी पूछा जाता है कि राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि राइबोफ्लेविन का मतलब क्या होता है, विटामिन B2 होता है। ठीक है, तो B2 इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, सॉरी इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। विटामिन B2 रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। अब इसके लक्षण क्या, देखो मुख के किनारे वे होठ की त्वचा का फटना, यानी ये जो मुख है इसके आसपास ये होठ की त्वचा क्या होने लगती है? फटने लगती है। जब आदमी मुंह खोलता है तो यहाँ पर उसको क्या होता है? दर्द होता है। स्मृति यानी याददाश्त क्या हो जाती है? कम हो जाती है, व्यक्ति को कोई भी बात याद नहीं रहती है। अगला आता है विटामिन B3, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा रोग। देखो लक्षण क्या है इसका, जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ना, जीभ व त्वचा पर क्या पड़ जाती है? पपड़ियां पड़ जाती है। अगला आता है विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल। जितने भी जो खट्टे फल है, चाहे नींबू हो गया या आंवला हो गया, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? विटामिन सी यानी एस्कोर्बिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग। इसके देखो लक्षण क्या होंगे, मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकते बनना, धब्बे बन जाते हैं, और मसूड़ से क्या निकलने लगता है? खून निकलने लगता है। दांतों के अंदर मसूड़े होते हैं उनसे क्या निकलने लगता है? खून निकलने लगता है। अगला आता है विटामिन डी, जिसे हम बोलते हैं कैल्सिफिरोल। रासायनिक नाम क्या है इसका? कैल्सिफिरोल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है?
रिकेटस। इसके लक्षण क्या है? पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, घुटने पास पास आ जाते हैं, यानी व्यक्ति की चाल क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रमुख विटामिन और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और इसके लक्षण क्या क्या है और इसके रासायनिक नाम क्या है। आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए, साथ में नोट्स बनाते रहे। कोई भी टॉपिक मैं यहाँ पे नहीं छोड़ रहा हूँ, सारे के सारे टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ। अलग से आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो नोट्स में बना रहा हूँ उनसे ही पढ़ लेना, उनसे बाहर मैं गारंटी ले रहा हूँ किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा। अब बात आती है कि सर इतने सारे विटामिन है, इनके रोगों के नाम याद कैसे रखेंगे? तो चिंता की कोई बात नहीं, मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक से आप सारे विटामिन के जो रोग होते हैं उसको हम याद रख सकते हैं। देखो, सबसे पहले विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन सी और विटामिन डी, इस तरह से अपन लिख लेते हैं। अब देखो एक ट्रिक लिखी है मैंने, राता, राता जानते हो, लाल राता, बेर, बेर मतलब बोर जो हम खाते हैं, राता बेर खाकर रानी पसरी, यानी रानी बोर खाके पसर गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये खाकर का कोई अर्थ नहीं निकलता, यहाँ पर इसको साइलेंट माने। ठीक है, अब देखते हैं राता, राता का क्या हो जाएगा, रतौंधी। बेर का क्या बना सकते हैं अपन, बेरी बेरी। रानी का क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविनोसिस। पे का क्या हो जाएगा, पेलेग्रा। से का क्या हो जाएगा, स्कर्वी। और री का क्या हो जाएगा, रिकेट्स। तो इस प्रकार से एक छोटी सी ट्रिक से हम जो ये विटामिन है, इन विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उनको हम याद रख सकते हैं। आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फिर आप नोट्स में इसको लिख लो, बहुत ही काम की चीज है, 100% इसमें से क्वेश्चन आता ही है। विटामिन कुपोषण के बाद अगला हम देखते हैं प्रोटीन कुपोषण, यानी यदि भोजन में लंबे समय तक अगर प्रोटीन की कमी होगी तो उससे कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, प्रोटीन कुपोषण से मुख्य रूप से दो प्रकार के रोग होते हैं, एक तो होता है क्वासी और कोर रोग। कौन सा रोग है, क्वासी और कोर रोग, और दूसरा है मेरेस्मस। देखो, क्वासी और कोर रोग, इसके लक्षण क्या क्या है, बच्चे का पेट फूल जाता है, त्वचा पीली शुष्क काली डब्बेदार होकर फटने लगती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे परिवार जो सड़क के किनारों पर रहते हैं, जो मांग कर खाना खाते हैं, तो उनको पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है, प्रोटीन नहीं मिल पाता। तो आप देखना बच्चे दुबले पतले होंगे, लेकिन उनका जो पेट जो होगा वो बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ रहेगा। अगर बच्चा दुबला है लेकिन उसका पेट औसतन से ज्यादा अगर बाहर निकला हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको कौन सा रोग हो रहा है, क्वासी और कोर रोग हो रहा है। यानी बच्चे का पेट फूल जाता है, त्वचा उसकी पीली हो जाती है, शुष्क यानी सूखी होती है, काली हो जाती है, और धब्बेदार छोटे छोटे उस पर धब्बे होने लगते हैं, और त्वचा क्या होने लगती है, फटने लगती है। अब बात आती है इसको रोका कैसे जा सकता है। इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रारंभ में ही बच्चे का जो लालन पोषण है वो सही तरह से किया जाए, लालन पालन सही तरह से किया जाए। देखो, गर्भवती महिला को संतुलित भोजन देना चाहिए, अगर किसी महिला ने गर्भधारण कर रखा है तो उसको संतुलित आहार देना चाहिए। अगला, बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि जन्म के बाद 6 महीने तक शिशु को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, कोई दूसरा खाद्य पदार्थ उसको नहीं खिलाना चाहिए। यानी बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा अगर आहार कहा जाता है तो वो सबसे अच्छा आहार माँ का दूध ही सबसे अच्छा आहार होता है। तो बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। अगला, बच्चा बड़ा होने पर, यानी जब बच्चा बड़ा हो जाता है 6 महीने से ऊपर, 1 वर्ष का 2 वर्ष का जब बड़ा होने लगता है, तो बच्चा बड़ा होने पर उसको प्रोटीन वसा व ऊर्जा युक्त संतुलित भोजन देना चाहिए। तो ये तरीके अपनाकर हम इस क्वासी और कोर रोग को बढ़ने से रोक सकते हैं या इसको होने से रोका जा सकता है। दूसरे रोग की हम बात करते हैं, दूसरा रोग है मेरेस्मस रोग। देखो, इसमें क्या लक्षण है, शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है। ये भी आपने कई बार सड़क किनारे जो परिवार रहते हैं उनके बच्चों को देखा होगा, कुछ बच्चे के तो पेट निकले होते हैं, कुछ बहुत ही दुर्बल होते हैं, उनका कलर हमेशा आपको सांवला मिलेगा। तो शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन हो जाती है, अर्थात अंदर धस जाती है, यानी आंखें अंदर की तरफ धस जाती है। तो इसका भी एक ही तरीका है कि बच्चे को प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए। ठीक है, तो दो कुपोषण अपन ने पढ़े, एक तो हो गया अपना विटामिन कुपोषण और दूसरा हो गया आपका प्रोटीन कुपोषण, और तीसरा हम देखेंगे खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण यानी जो खनिज तत्व है या खनिज लवण है उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो यहां मैंने ये पहले लिख के तैयार रखे। देखो, इधर मैंने ये नाम लिख रखे तत्वों के, इधर ये मैंने प्रतीक लिख रखे, यहां लिखे मैंने प्राप्ति स्रोत,
यानी यहाँ अपने को कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं और यहाँ मैंने लिखे हैं इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं सोडियम। आपने सभी ने नाम सुना होगा जिसका प्रतीक होता है Na, सोडियम। देखो कहां से प्राप्त होता है ये प्राप्ति स्रोत में सामान्य नमक, अपन जानते हैं सामान्य नमक का सूत्र होता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड सामान्य नमक से प्राप्त होता है। मछली मांस उनसे अपने ये को प्राप्त होता है। देखो इसकी कमी से क्या प्रभाव हो सकते हैं, तंत्रिका आवेश संचरण में कमी और दूसरा है मांसपेशियों के संकुचन में बाधा, यानी हमारी जो तंत्रिका तंत्र है उसकी जो क्रियाशीलता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। व्यक्ति को अगर आप कोई स्विच चुभोगे तो उसको दर्द तो होगा, लेकिन स्विच आपको अगर मान लो स्विच चुभते तुरंत दर्द हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के अगर अपन स्विच चुभोएंगे तो उसको 2 या 3 सेकंड बाद दर्द होगा, यानी उसका तंत्रिका आवेग जो है वो क्या है, कमजोर है, उसको महसूस होने में थोड़ा समय लगता है। मांसपेशियों के संकुचन में बाधा आती है, यानी बार बार ये जो जॉइंट है यहाँ से कट कट की आवाज आने लग जाती है इस प्रकार की, या हाथ मुड़ता नहीं है बार बार दर्द करता है, इस प्रकार की घटना भी देखने को मिलती है। अगला आता है पोटेशियम। प्रतीक क्या होता है के, ये लगभग सभी खाद्य पदार्थों में मिलता है और यहां मैंने ये लाइन खींची कि इसका मतलब इसमें भी क्या होगा कि अगर पोटेशियम की कमी है तो ये स्थिति आएगी, तंत्रिका आवेश के संचरण में कमी होगी। दूसरा क्या होगा, कोशिकीय क्रिया संचालन में बाधा, क्योंकि देखो जब कोशिका आदान प्रदान करती है पदार्थों का तो वहां पढ़ोगे बड़ी क्लासों में पोटेशियम तंत्र सोडियम तंत्र जो होते हैं तो वहां ये काम करता है। अगला आता है कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, कैल्शियम और फॉस्फेट, एक तो होता है कैल्शियम और एक होता है फास्फोरस, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारी हड्डी और दांत जो होते हैं उनके मुख्य घटक होते हैं। तो सीधी सी बात है कि देखो कैल्शियम कहां से मिलेगा आपको, दूध अंडे और हरी सब्जी में मिलेगा। अब इससे क्या बनती है, एक तो हड्डियां बनते हैं दांत बनते हैं, यानी अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी या फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, दांत कमजोर हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति अगर मान लो जैसे ही मान लो कोई छत से नीचे कूदेगा तो टांगे तो टूटेगी, लेकिन अगर कोई 10 फीट से भी कूदता है या 5 फीट से भी कूदता है तो उसकी वजह से टांगे टूटने की संभावना रहती है। जब किसी चीज के अंदर कैल्शियम की कमी हो तो उसके हड्डियां और दांत क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। अगला देखते हैं, देखो आयोडीन, सभी ने सुना होगा नमक के अंदर होता है ये। देखो प्रतीक क्या होता है इसका, आई काम लेगा अपने को नमक में, और समुद्री भोजन, समुद्री भोजन यानी समुद्र के अंदर जो भी जीव पाए जाते हैं, मछली होगी उसके अंदर, लवण है, हरे पत्ते वाली सब्जियां उसके अंदर मिलेगा। और देखो आयोडीन जो है एक हमारे ये जो गला है यहाँ पर जो श्वास नली है इसके दोनों तरफ एक एच आकार की ग्रंथि पाई जाती है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्रंथियों के बारे में, कौन सी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। उस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, उस थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य घटक होता है आयोडीन, ठीक है। तो जो रोग इस हार्मोन की कमी से होगा वही रोग इसकी कमी से होगा, आयोडीन की कमी से, ठीक है। तो अगर आयोडीन की मात्रा अगर शरीर में कम है तो क्या होगा, देखो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण प्रभावित होता है इससे, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, गलगन रोग कह सकते हैं या जिसे अपन गेंगा कहते हैं, या फिर गाइटर रोग। इसमें गला क्या हो जाता है, फूल जाता है, और फूल कर क्या हो जाता है, लटक जाता है, इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। अगला हम बात करते हैं लोहा, आयरन, इसका प्रतीक क्या होता है Fe। कहां से मिलेगा ये, मांस रक्त बाजरा दही गाजर गुड़ आदि, इन सबसे अपने को आयरन प्राप्त होता है। अब लोहे का मतलब यानी कि लोहे के चने चबाने हैं, ये जो चीजें हैं ये खानी है अपने को, इनसे मिलेगा। अगर इस शरीर में लोहे की अगर कमी होगी तो क्या होगा, रक्त की कमी हो जाएगी, जिसे हम एनीमिया रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं, एनीमिया रोग। दूसरा देखो हमारे रक्त के अंदर एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है, उसका भी मुख्य घटक क्या होता है, आयरन होता है। यानी अगर मान लो कि शरीर में आयरन की कमी होगी तो ऑक्सीजन का परिवहन भी प्रभावित होगा, तो ऐसे में व्यक्ति को क्या होगी, सांस की बीमारी भी हो सकती है। तो ये हमारे मुख्य कुपोषण हमने देखे, कौन कौन सा देखा, पहला हमने पढ़ा था विटामिन कुपोषण, दूसरा हमने पढ़ा प्रोटीन कुपोषण, और तीसरा हमने पढ़ा खनिज कुपोषण। ये 3 कुपोषण आपके कोर्स में दे रखे हैं, तीनों कुपोषण कंप्लीट है। अगर इसमें भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही तो आप कमेंट करके हमें बताएं, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। धन्यवाद।